हेलो एवरीवन, आई एम राशिद खान फ्रॉम लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। क्लास टुडे हियर विल हैव टू स्टडी अबाउट द टेम्परेचर, मेजरिंग द टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री केल्विन। नाउ विल हैव टू स्टार्ट डिग्री सेल्सियस। क्या करेंगे फिर? Yeah, 500 divided by and subtract by 273. 326. What? What will be the unit? Degree Celsius. Clear है? Okay. ये आपके दो क्वेश्चन दो तीन दिए गए हैं, इसको हम लोग कर क्या चीज क्या हुआ? डिग्री सेंटीग्रेड जो आपका होता है, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड के नाम पे उनका नाम पड़ा है, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, इन्हीं के नाम पे नाम रखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो डिग्री सेल्सियस से प्लस 273 ज्यादा होता है, बस ये जानिए, प्लस होता है, इसको हम लोग डिग्री केल्विन कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से फर्स्ट है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू द केल्विन स्केल। 25 डिग्री सेंटीग्रेड शायद हमने अभी कन्वर्ट किया है ना, इट हैज टू बी चेंज इनटू द लिक्विड। व्हाट विल हैव टू डू? विल हैव टू सप्लाई द टेम्परेचर, इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, ये मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट किया, टेम्परेचर इसका जब राइज होगा नियरली अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या करेगा, ये मेल्ट कर जाएगा, इससे सॉलिड टू लिक्विड। व्हाई इट गेट चेंजेस इनटू द अदर मीडियम, क्यों चेंज होगा ये? Due to increasing, yes, why? Because temperature is increasing. Now by the increment in the temperature, by the increment in heating, by the increment in energies, जब energies बढ़ेगी, जब energy वो ज्यादा लेगा तो convert हो जाएगा। अब इसका एक example ले लीजिए कि जब हम लोग किसी भी बर्फ को या आइस को देखते हैं ना, आइस कन्वर्ट होता है किसमें, वाटर में, तो वाटर में कन्वर्जन के लिए क्या उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है? बिना एनर्जी के ये कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी चीज, जो भी, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड है, गैस है, सबके अंदर देयर इज अ सम सर्टेन एनर्जी एम्बेडेड आर नीडेड टू कन्वर्ट। हाँ, ये इसके पास एक एनर्जी रहती है, हीट रहता है, जिसको हम लोग देखते नहीं है या जानते नहीं है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अब देखिए इसका एक एग्जांपल है कि अगर आप किसी को किसी पत्थर से मार दो, किसी स्टोन से, किसी अदर मटेरियल से, तो उसका जरूर है कि उसको क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर आप आइस से इसको मार दो तो आइस से ज़्यादा चोट लगेगा और वो जल्दी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आइस का वेट है उसका वेट रहेगा ही रहेगा, साथ में इसके क्या रहता है, द इफेक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू द एनी स्टोन आर एनी मटेरियल्स। दूसरा केस है, क्या चीज, हाँ पहले इसको देख लीजिए, अभी आगे हम लोग लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे, पहले यहां पे देखिए, फॉर द कन्वर्जन ऑफ हीट देयर इज अ रिक्वायर सॉरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट देयर इज अ नीड ऑफ हीट आर द एनर्जी। किसी एक दूसरे मटेरियल, उसी प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन कहते हैं, इसीलिए इसके अंदर अगर कोई हीट रहती है तो उसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
इसको ब्रेक करने के लिए, इसको फ्यूज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग लेते हैं हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ओके, सो द टेम्परेचर नीडेड आर देयर इज अ सम सर्टेन हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड इन टू द लिक्विड, दैट वन इज कॉल्ड एज हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी कब आएगी, जब ये पूरी तरह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर हाइक हो जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर रेज कर जाएगा। तो सपोज करिए, हाँ सपोज करिए कि जो आइस है वो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, फॉर्म होता है। ये कन्वर्ट कब होगा, जब नियरली इसका टेम्परेचर अप्रॉक्स 100 होगा, यानी इसको बॉयल कर दिया जाए या इसको टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया जाए, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल करने लगता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है आइस में, राइट। हाँ ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होते हैं या बहुत ही ज़्यादा हार्डर होते हैं, दैट दे नीडेड टू अबाउट 200, 300, 500 more than 100 or more than 1000। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनको, जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है या जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, 100 है तो 100 पे वो क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। और अगर किसी अदर मटेरियल को देखें उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, सभी जितने भी अलग अलग चीज़ें होते हैं उनका सभी का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन पॉइंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे जरूरी है कि इनका जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन में पार्टिकल्स कैसे ऐड होते हैं या पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइंड होते हैं या बाइंड होते हैं, वो जितना ज़्यादा बाइंड होंगे, जितना ज़्यादा हार्डेंस होंगे, जितना ज़्यादा डेंस होंगे, उतना ज़्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जितना कम डेंस होंगे उतना हीट की कम रिक्वायरमेंट होगी। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो, क्या चीज़। लेटेंट हीट को हमेशा मेजर करने के लिए, इसको तो सपोज करिए किलो कैलोरी जूल्स होता है, किलो कैलोरीज होता है, जूल्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये किलो कैलोरीज या कैलोरीज में मेजर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे अभी ये का मटेरियल है जिसको हम लोग कहते हैं आयरन, आयरन को नियरली 1500 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर देन 1535 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया जी, हाँ 1535 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हम लोग जब तक हीट नहीं करेंगे, ये आप देखोगे जो ज़्यादातर डेंस है, सॉलिड मटेरियल है और सबसे ज़्यादा डेंस है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, इस वजह से क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोजर कॉन्टैक्ट होते हैं या उनका जो बाउंड करते हैं या एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं वो बहुत ही क्लोजली कॉम्पैक्ट मीडियम होता है, राइट। तो ये एक प्रोसेस है जिनमें क्या होगा, सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड बाय अचीविंग इट्स रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहेंगे या फ्यूजन ऑफ आइस हो गया या फ्यूजन ऑफ आयरन हो गया, बहुत है सॉलिड हो रहा है, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा प्रोसेस है लिक्विड से गैस में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को और क्या कह सकते हैं, सपोज करिए ये सॉलिड है, लिक्विड है और ये गैस, इसका कन्वर्जन होता है लिक्विड होता है गैस, तो ये क्या कहलाता है, बोलो हाँ। और इसको अगर हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो गैस से लिक्विड का फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड में
सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है? सो स्टेट्स कैन चेंज इट्स पोजिशन फ्रॉम वन टू अनदर पोजिशन। सॉलिड कैन चेंज इनटू द लिक्विड, लिक्विड कैन चेंज इनटू द गैस, गैस कैन आल्सो कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एंड लिक्विड कैन आल्सो कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड। देयर आर द डिफरेंट मीनिंग्स इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट। इवैपोरेशन, व्हाट इज इवैपोरेशन? इवैपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच व्हेन द लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू द गैस, द प्रोसेस बाय विच द लिक्विड गेट चेंजेस इनटू द गैस, दैट वन इज कॉल्ड एज इवैपोरेशन। आर लिक्विड गेट चेंज इनटू द वेपर्स, दैट आर आल्सो कॉल्ड एज अ वेपोराइजेशन, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ इवैपोरेशन। सो आल्सो देयर इज अ सम नीड ऑफ द सम एनर्जी, यहां पे भी कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, होगी कि नहीं होगी? ये कन्वर्ट हो रहा है इससे गैस में, तो यहां पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कौन से फॉर्म में एनर्जी आएगी? हीट के फॉर्म में, और यही उसको मिलता है। इस वजह से क्या करेगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगा, इसमें गैसेस में, इसलिए क्योंकि इसकी एनर्जीज को क्या करेगा? स्टोर करेगा, और एनर्जी स्टोर करने के बाद वो यूज करेगा वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इस पर एनर्जी चाहिए। और जब वो रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी कन्वर्ट ऑब्टेन कर लेता है या रिसीव करता है, तो वो क्या होगा? वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है देयर इज अ सम सर्टेन एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन स्टेट टू अनदर स्टेट। किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए क्या होना चाहिए? एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। जब वो एनर्जी पूरी तरह से ऑब्टेन कर लेता है, तब वो दूसरे स्टेट है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग या तो इवैपोरेशन कहते हैं या एक और पॉइंट कहलाता है, क्या कहलाएगा? बॉयलिंग, राइट? हाँ, तो बॉयलिंग इज अनदर, बॉयलिंग और इवैपोरेशन इज द मीडियम बाय विच द लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू द गैसेस। किसी भी मटेरियल को, किसी भी लिक्विड को हीट कर दिया जाए, वाटर को ही एक जनरल सा ले लीजिए, हीट कर दीजिए। आप देखते होंगे बहुत सारे तालाब हैं, पोखरे हैं, ताल हैं या गड्ढे हैं जिनके अंदर पानी रहता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी का सीजन आता जाता है, ये क्या होते हैं? इवैपोरेट हो जाते हैं और गड्ढे, ताल, पोखरे सब के सब सूख जाते हैं। देखे वो, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वही मरकरी को ले लीजिए 357 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, और जब वो बॉयल होगा तभी वो कन्वर्ट होगा किस में? वेपर में। ठीक है, क्लियर है? अब जब भी कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है, या कोई एक मटेरियल कन्वर्जन होता है मटेरियल का वन स्टेट टू अनदर स्टेट, देयर इज अ फिजिकल अपीयरेंस गेट कन्वर्ट, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस भी क्या होने लगेगा? चेंज हो जाएगा। जैसे आइस अगर क्यूबिक फॉर्म में है, अगर उसको हम लोग हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा, लिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी इन देम, क्योंकि वो एनर्जी को ऑब्टेन कर रहा है, इसकी वजह से वो कन्वर्ट कर जाएगा। अब ये प्रोसेस हो गया जिसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग, इवैपोरेशन या बॉइलिंग। अब दूसरा प्रोसेस है गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, अगर ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है तो दैट मीन्स कि कंडेंस्ड हो रहे हैं। कंडेंस होने का मतलब क्या है? देयर विल बी, क्या हो रहे हैं? हीट, हाँ, पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोजर आ रहे हैं, क्लोजर टू वन अनदर। एंड व्हेन दिस हैपेंस, इट हैपेंस ओनली व्हेन देयर इज अ वेरी लो टेम्परेचर्स हैपेंस, यानी कि जब ये
टेम्परेचर डाउन होगा, बहुत तेजी से डाउन होगा, तब ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस्ड होने लगेंगे। आप सिंपल सी एक एग्जांपल देखिए कि आप वाटर आइसक्रीम रखते हो या कोई अदर मटेरियल रखते हो, तो उसके अंदर मिल्क है, वाटर है, जो भी है, वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। अब जब वो कंडेंस होंगे तो यही मटेरियल क्या होंगे, और कंडेंस होने के बाद इसका वैल्यूम चेंज हो जाएगा, और वैल्यूम चेंज होकर के वो क्या होंगे, जिसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना, या इसमें क्या होगा, इसका जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोजर आ जाते हैं, क्लोजर आ जाएंगे तो ये कंडेंस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच द गैस कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड एंड दिस ड्यू टू द डिक्रीजमेंट ऑफ द टेम्परेचर। क्लियर है सबको? हाँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस मींस व्हाट? देयर इज अ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, टू टाइप ऑफ अ प्रोसेस, एक्सो एंड एंडो। व्हेनेवर द एनर्जी रिलीजेस, व्हेनेवर द हीट लिबरेटेड, लिबरेटेड मींस निकलना, व्हेन द हीट लिबरेटेड, देन दैट वन इज कॉल्ड एज टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक। एक्सो मींस बाहर और थर्म मींस हीट, बाहर की तरफ हीट अगर निकलेगी तो एक्सोथर्मिक। और कोई रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक उसको हम लोग हीट ना दें, तब वो एंडोथर्मिक होगा। इसका मतलब जिसको हीट प्रोवाइड करना होगा। द प्रोसेस दैट हैपेंस ओनली ड्यू टू द प्रोवाइडिंग हीट, दैट वन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक। एंड इफ देयर इज अ प्रोसेस हैपेन इन विच द एनर्जी इज रिलीज, हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट इज लिबरेटेड, then liberated, then this one is called as exothermic. Suppose if there is CH3COH plus H2CO3, NaOH, so ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COONA। एनर्जी रिलीज हो रही है, ये ऐसे दिखाते हैं, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी निकल रही है, तब ये एक्सोथर्मिक हो गई। और अगर यहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं तब ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। राइट, क्लियर है? हम जब कोई एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे किसी रिएक्शन को होने के लिए, तब वो एंडोथर्मिक होगा। और अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और रिजल्टेंट में एनर्जी, क्लियर है? ठीक। अब सपोज करिए कि जब आपके घरों में खाने बनते हैं तो जो आपका पॉट होता है, बर्तन होता है, बर्तन के ऊपरी सतह पे जिसको ढक्कन कहते हो, कवर के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं। वो ड्रॉपलेट्स आते कहां से हैं, क्योंकि यहां पे पॉट है और पॉट वेपराइज हो जाते हैं। यहाँ पे पॉट रहता है और इसके ऊपर कवरेज रहता है या कवर रहता है, ढक्कन लगा रहता है, तो ये जो वेपर जा रहे हैं, ये वेपर बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, हीट होने के बाद कंडेंस होना शुरू करते हैं। और यहाँ पे तो हीट होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इसका कैसा रहता है, ठंडा रहता है, और ठंडा रहने की वजह से यहीं पर जाके ये क्या होंगे, स्टक कर जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं और यही क्या बना लेंगे, ड्रॉप्स बनाएंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंडेंसेशन। क्लियर है? ओके, चलिए द टाइम